हे गाइस, भिंडी की भुजिया की सिंपल एंड कॉमन रेसिपी। तो देखिए, सबसे पहले मैंने भिंडी को कट किया है और मैंने आलू को भी कट किया था, और फिर मैंने प्याज, एक प्याज काटा था, और पांच मिर्च और सूखी दो मिर्च। तो अच्छे से मैंने उसे फ्राई किया है और हल्के ब्राउन होने तक फ्राई मैंने किया है। उसके बाद फ्राई करने के बाद अब मैं उसमें भिंडी डालूँगी, जो भिंडी मैंने काटे थे और वो भिंडी मैंने में डाले। अब उसे अच्छे से मिक्स करूंगी। फिर आलू जो काटा था वो आलू डालूंगी और फिर उसे अच्छे से मिक्स करूंगी। वो अच्छे से मिक्स होने के बाद, अच्छे से मिक्स मतलब जब तक अच्छे से मिक्स ना हो जाए उसे अच्छे से मिक्स करते रहना है। उसके बाद मैंने देखिए गैस का फ्लेम हाई कर दिया है, और हाई ही रखना है गैस का फ्लेम, और फिर कुछ ढकना भी नहीं है भुजिया के ऊपर। ऐसे तो ये बड़ी कॉमन रेसिपी है और मतलब सबके घर में भिंडी की भाजी बनती ही है, फिर भी मैंने अपने तरीके से आप लोगों से शेयर किया है। फिर देखिए ये हल्की ब्राउन हो चुकी है। हल्की ब्राउन होने के बाद मतलब उसे मिलाते मिलाते हल्की ब्राउन तक वेट करना है। इसके बाद मैंने इसमें हल्दी डाला, फिर जितना उसमें लगे, जितना भिंडी की भुजिया की क्वांटिटी है उसके हिसाब से हल्दी भी डाल दें और स्वाद अनुसार नमक भी डालें। फिर मैंने उसे अच्छे से मिक्स किया, मिक्स करते रहना है जब तक अच्छे से मिक्स ना हो जाए। उसके बाद फिर फ्राई करते रहना है, मतलब अच्छे से, जब तक उसमें हल्की हल्की तेल ना, मतलब ऑयल ना छोड़ दे। मिक्स करते रहना है, मिक्स हो, अच्छे से फ्राई हो रही है अभी मेरी भिंडी की भाजी। आप लोग भी घर पे ट्राई करें। और ये रही मेरी भिंडी की भाजी, पूरी अच्छे तरीके से तैयार है। आप लोग भी घर पे मेरी रेसिपी ट्राई करें।